अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास एक दफ़ा दोबारा आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनके लोगों की टाइमिंग कम है, टाइमिंग के लिए नुस्खे ख़ास बताऊँगा कि टाइमिंग के लिए क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए और कैसे कैसे यूज़ करनी चाहिए। वो तरीक़ाकार भी मैं बता दूँगा आपको। ये जो तरीक़ाकार है मेरे भाई, सारी चीज़ों आइटम में बताता हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि हमारी टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। और टाइमिंग का मसला ये है कि जो इंसान अंदर दाखिल करता है फौरन रिलीज़ हो जाता है, वो टाइमिंग एक सेकंड दो सेकंड वो टाइमिंग बहुत कम है। उसके लिए मेरे भाई मैं आपको नुस्खा बताता हूँ, वो नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा, टाइमिंग भी बढ़ेगी आपकी, वक्त ख़ास से पहले वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें चार चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है माल कंगनी, वो आपने लेना है 50 ग्राम, सतावर लेनी है 50 ग्राम, अकरकरा लेना है 50 ग्राम। ये जो चीज़ें हैं मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल करनी है, और दारचीनी जो है वो 50 ग्राम लेनी है। ये चार चीज़ों को आपस में मिक्स करके इसको पीस लेना है, पाउडर बना लेना है, और सफूफ को अच्छी तरह संभाल के रख देना है। जिन लोगों को शुगर है वो शहद इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जिन लोगों को शुगर नहीं है वो शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका खाने का मैं तरीका बता देता हूँ। वक्त ख़ास से पहले 1.5 घंटा पहले 2 चम्मच सफूफ के आपने गर्म दूध के साथ खा लेने हैं, ठीक है। और फिर इसका कमाल देखेंगे, आपका जहन इतना ज़बरदस्त और नफ्स इतना टाइट हो जाएगा कि आप जब कमाना शुरू करेंगे ना, जब आप नफ्स अंदर डालेंगे तो आपको लज़त भी आएगी, टाइमिंग भी आपकी बढ़ जाएगी, और आप एक मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड होंगे और मुकम्मल मर्द होंगे। जो लोग ना मर्द हैं इस सफूफ को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सुबह भी 1 चम्मच और शाम को भी 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से ये यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह ताला मुकम्मल तौर पे उनकी ताकत, उनकी टाइमिंग बहाल हो जाएगी। और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दे दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और दुआओं में याद रखेंगे भाई। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।